तो हेलो गाइस, वेलकम टू अविचेन ब्लॉग्स। तो आज है ना हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें आने वाली है। क्यों? हमें गेस करनी है आज पहेलियां, ठीक है? साथ में आप भी मेरे साथ में मतलब हेल्प करवाओगे, ठीक है? साथ में मिलकर हमको बहुत सारी जो हमारे पास पहेलियां हैं वो सारी गेस करनी है। तो रेडी हो? ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आज के ब्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो, बहुत सारी ये चोर कहां पे छुपा है, सबसे पहले तो यही है। तो हमें गेस करना है कि चोर कहां पे छुपा है, ठीक है, जिसने चोरी की है। तो रेडी, चलो गाइस स्टार्ट करना है। दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। पहला यहाँ पे हमारा हिंट मिल रहा है, दिल्ली के एक मॉल में एक लड़की की लाश पड़ी, ठीक है। साथ साथ में यार आप भी हेल्प करना, मेरी बहुत हार्ड होने वाला है, ठीक है, चलो। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर गार्ड जो है वो पुलिस को फोन करता है। एक एक चीज नोट करना गाइस, यहाँ पे दिल्ली के मॉल में एक लड़की की मौत हुई है, गार्ड ने पुलिस को फोन किया, ठीक है। देर में पुलिस वहाँ पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद तीन सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, ठीक है, तीन सस्पेक्ट को पुलिस पकड़ ली। सर, मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। ओके, ये थोड़ा थोड़ा तोतला बोल रहा है, अभी जानबूझ करके बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ये मुझे पता नहीं, बट ये थोड़ा थोड़ा तोतला बोल रहा है, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं क्लू मिलने वाला है अपने को, ठीक है। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। जो सेकंड वाली जो लेडी आई थी ना मॉल में, ये तो कह रही है मैं तो अपने मतलब इसका कोई छोटा बच्चा होगा कि उसके शर्ट लेने आई थी सिर्फ, ठीक है। ये मजा आने वाला है गाइस, मजा आने वाला है। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। ओके, तो जो आंटी थी ना सेकंड वाली, वो कह रही है वो वॉशरूम नहीं गई थी और जो मर्डर हुआ है वॉशरूम में ही हुआ। आप देख सकते हो, अगर स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो वॉशरूम में ही मर्डर हुआ है, ठीक है। और जो थर्ड वाली जो लड़की है घुंघराले बाल वाली, वो कह रही है कि मैं तो यार वॉशरूम ही नहीं गई, ठीक है। तो मतलब तीनों में से इनमें तो ये अभी कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस वाले को पता चल गया कैसे, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ओके, ठीक है गाइस, अब अपने को आंसर बताना है वापस। अब मैं इस चीज में सही बताऊं तो इतना भी होशियार नहीं हूं, बट मेरा दिमाग चल रहा है। देखो, एक लड़की का मर्डर हुआ है, वापस से सारी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। लड़की का मर्डर हुआ है, ठीक है, दिल्ली के मॉल में। जो पहला लड़का है वो कह रहा है कि वो तोतला बोल रहा है, वो तो कह रहा है कि मैंने किया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं। सेकंड वाली लेडीज कह रही है कि मैं वॉशरूम गई ही नहीं। थर्ड वाली कह रही है मैं वॉशरूम आई थी बट मैंने किया नहीं, ठीक है। तो ये किया है किसने किया ये मर्डर? मेरे को लग रहा है लड़की का मर्डर हुआ हुआ है, ठीक है। ये कौन कर सकता है ये मर्डर? कम ऑन गाइस, कम ऑन, रुको, समझ आ रहा है मेरे को थोड़ा। जो पहला है, ओके, देखो, जो फर्स्ट वाला है ना उसके हाथ में एक थैला है, बैग है, ठीक है। सेकंड वाले के हाथ में भी बैग है, बट थर्ड वाले का बैग कहाँ है, ठीक है। थर्ड वाले का हाथ में बैग नहीं है, तो जरूर ये हुआ है कि थर्ड वाला, जब ये लड़की जो ये वॉशरूम आई, ठीक है, इसने बैग रखा है और इसी ने मर्डर किया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इन दो के पास बैग है, इस थर्ड वाले के पास बैग क्यों नहीं है, इसका आंसर तो मेरे को लग रहा है थर्ड वाली ने। तो इसके साथ जाते हैं, जो थर्ड वाली घुंघराले बाल वाली, उसी ने मर्डर किया। चलो अब देखते हैं आंसर क्या है। ए बी सी, सी है गाइस, देखते हैं अब कौन है। मेरे हिसाब से तो सी है, कम ऑन, मेरे हिसाब से सी है। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए, उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन दूसरी की गायब है और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, जो लेडी है इसके एक कान में इयररिंग है, ठीक है, और सेकंड वाली इयररिंग है, पुलिस समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्या भाई यार, इतना इजी था ये। देखो, ये जो लड़की है जिसके जिसका मर्डर हुआ, उसके जस्ट पास में कान की इयररिंग्स पड़ी और उस लेडी के कान में इयररिंग्स नहीं है। क्या यार, इतना इजी था, मतलब सेकंड वाली है, थर्ड वाली वो बैग से कुछ रिलेशन ही नहीं है इसका, कुछ रिलेटेड ही नहीं, जबरदस्ती का मैं लॉजिक घुसा रहा हूं वहां पे। तो ठीक है, मर्डर किया है इन आंटी ने, मर्डर किया आंटे, गलत बात आंटे, सजा होगी आपको, आंटी को सजा मिलेगी 10 साल की। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट गाइस, ठीक है, इसमें तो मजा आया। अगर आपने सही समझ लिया था ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था। ओके, राहुल जा रहा है अपनी बहन रेखा के साथ बाजार। तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। देखो, सामने तीन बाइक वाले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी बाइक चलाकर नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है, क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? ओके, तो इसको सोचना पड़ेगा। तीन बाइक है, तीन जने आ रहे हैं, तीनों उसको धक्का दे दे के आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से एक जने के बाइक में पेट्रोल नहीं है, ठीक है। ओके,
तो तीन बाइक देख लो स्क्रीन में दिख रही है, तीन बाइक गाइस, एक पर्पल, एक ब्लू कलर की, पता नहीं स्काई ब्लू है, और एक ही पता नहीं येलो कलर है शायद, ठीक है। तो तीन जने हैं, तीन जने में किसकी बाइक में पेट्रोल नहीं है ये बताना है ना। ओके, जिसमें पेट्रोल नहीं है ये बताना है हमको। तो पेट्रोल यार, अब ये कैसे बताएंगे यार, ये तो हार्ड हार्ड क्वेश्चन है यार, ये पहली है कि क्या है। तीनों में पेट्रोल मतलब एक बाइक, दो बाइक, तीन बाइक, इसमें से एक है जिसमें पेट्रोल नहीं है, ठीक है। ओके, आंसर है सी, 100% आंसर है सी, क्योंकि ये अंकल जी जा रहे काम पे, देखो टाई वाई लगी हुई है, नहीं टाई टोपी भी है इसमें यार, नहीं अंकल जी नहीं है, सॉरी 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 अंकल जी नहीं है, कैंसिल। यार क्या होगा इसका आंसर, कम ऑन यार, तीन बाइक है, तीनों में कौन सी बाइक में पेट्रोल नहीं है, नहीं है गाइस ये बताना है, ठीक है, पेट्रोल है ये नहीं बताना। देखो यहाँ पे यार क्या लॉजिक डालूं मैं इसमें, जबरदस्ती का कोई लॉजिक इसमें को डालना पड़ेगा। पेट्रोल गैस कर लेते हैं। ओके, जो एक चीज तो मैंने देख ली गाइस, जो पिंक वाली बाइक है वो तो पीछे से पंचर है ऐसा मुझे लग रहा है, हाँ वो तो पीछे से पंचर है, देख लो वो तो पंचर है, उसको हटा दो, ठीक है। ओके, अब बचे सी और बी, तो सी और बी में किसमें पेट्रोल, इसमें कुछ। ओके, सी भी देखो गाइस आगे से पंचर है, ओ फाइनली पकड़ लिया मैंने, ओ फाइनली देखो सी भी पंचर है, ए भी पंचर है, तो बाइक बची कौन सी, बी। तो इसका आंसर है क्या आप बता सकते हैं, देखा नहीं उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है, सोचिए सोचिए। स्टार्ट हो गया टाइम, 100% बी आंसर है, देख लो दोनों पंचर है। तीनों बाइक को ध्यान से देखिए, पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर है, इसमें पहले और तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है, लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है, मतलब लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है, पेट्रोल नहीं है, यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है। रेखा ने भी सही जवाब दे दिया और अभी ने भी सही जवाब दे दिया, आपने सही जवाब दिया तो यही बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अब एक और पहेली देखते हैं, चलो राहुल ने चॉकलेट खेले, मैं भी खिलाऊंगा। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट, विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर तीन ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी, सोचिए सोचिए। ओके ठीक है गाइस, ओके इसमें आएगा मजा, देखो जो मेरे को लग रहा है अपन साथ में अपने डिस्कस करते हैं। जो पहला है वो क्या कह रहा है, वो हिंदी का टीचर है, ठीक है, तो टीचर तो मतलब टीचर को तो लिखना होगा, तो हाथ से तो लिख ही सकता है और बोलना होगा, ठीक है। सेकेंड वाला है बस ड्राइवर, इसके हाथ भी सही लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ओ बस ड्राइवर है तो ये पैर से तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, हाँ निर्मल देखा, पैर से तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, और इसका पैर ही ये फ्रैक्चर कह रहा है, तो ब्रेक और क्लच, अगर मैं भी कार चलाता हूँ तो मेरे को अगर ऐसे करूँगा तो मेरे को यहीं से क्लच या फिर जो भी होगा ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। और थर्ड वाला है चेस प्लेयर है, तो चेस तो हाथ से खेलते हैं, वो हाथ तो उसका सही है एकदम, तो इसमें झूठ बोल रहे हैं, वो हमारे बस ड्राइवर साहब है, ठीक है, इनका नाम दे देते अखिलेश अंकल। 100% इसका आंसर दो, अब देखते हैं आंसर। पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है लेकिन उसका पैर तो खराब है, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए खराब है, ब्रेक कैसे लगाएगा वो, झूठा, नॉनसेंस, पकड़ो ले आओ जेल इसको। ओके गाइस, लास्ट पहेली फाइनल। एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है, एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे तीन कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, चल मेरी गाली से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट। अब यार एक तो मुझे पुलिस वाला समझ नहीं आ रहा है, इसको हर दो दो मिनट में पता कैसे चल जाता है, मेरे को तो ऐसे एक मिनट में पुलिस, इतनी पुलिस अगर तेज हो जाती तो फिर तो जो क्राइम होता है उससे पहले ही पुलिस को पता चल जाता है, ये कोर्ट में जाने का टेंशन नहीं। एक तो पुलिस वाला है, सबसे बड़ा चोर तो ये पुलिस वाला, ये सही बताऊं ना। ओके तो इसमें गाइस ये पहले गए उन बूढ़ी अम्मा का, इन्होंने एक्सीडेंट किया तीनों ने, ठीक है,
और एक जना कह रहा है, फर्स्ट वाला कह रहा है मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, ठीक है वो लग भी रहा है जल्दी, देखो नेकर पहन के आ गया उसने पूरे, इतना जल्दी बता बेचारा, पैंट पहनना पैंट पहनना भी भूल गया। सेकंड वाला है ये कह रहा है, क्या बोला सेकंड वाले ने, सेकंड वाले ने शायद बोला था मैं तो मतलब मेरे को पता ही नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ। ओके थर्ड वाला है वो कह रहा है, ओ हो हो, थर्ड वाला कह रहा है मैं तो बहुत धीरे धीरे चलाता हूँ मुझे पता नहीं। तो गाइज मुझे लग रहा है जहाँ तक मैं अपना कैलकुलेशन जहाँ तक बैठ रहा है मेरा, आप भी बताना आपको लग रहा है नहीं या नहीं, जो फर्स्ट वाला है वो कह रहा है मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो जल्दी में होता तो एटलीस्ट, यार नहीं यार ये नहीं हो सकता। हाँ सेकंड वाले के आप देखोगे ना तो यहाँ पे पैर पे देखो उसके कुछ लगा हुआ है जीन्स में, मतलब या तो वो मिट्टी है या वो तो कुछ गिरा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है या वो किसी को कुछ कर रहा था, इसकी जीन्स देखो। थर्ड वाला है उसकी भी जीन्स फिर भी साफ है, थोड़ी स्टाइल है, फर्स्ट वाले ने तो जीन्स पहनी नहीं, तो मेरे को लग रहा है बी ने किया ये, ये 100% एक्सीडेंट इसने किया, ये शैतान है। तो अंजल देखने के लिए रेडी, कमेंट करके बताएं और देखते हैं इसका क्या है। मेरे को बी लग रहा है, लेट्स सी क्या होता है। पुलिस ने ये तो नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, आदमी का, औरत का या बुढ़िया का, लेकिन फिर भी तीसरे आदमी को ये कैसे पता चला कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है, उसी से पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। ओ भाई साहब, हाँ पुलिस वाले ने ये तो बोला ही नहीं कि कौन सी बूढ़ी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने कहा था सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, लास्ट वाले ने बोल दिया कि मैं तो गाड़ी धीरे चलाता हूँ, मैंने किसी बूढ़ी अम्मा को नहीं वाला। ओ भाई साहब तो मजा आ गया इसमें तो बहुत भयंकर। ठीक है तो हमने तीन में से दो पहले, नहीं हमने चार करी शायद, उसमें से दो पहले एकदम हमने सही गेस किए। अब आप बताना कमेंट बॉक्स में कितनी पहले गेस किए और नेक्स्ट क्या चैलेंज करना है ये भी बताना, मेरे को मजा आ रहा है। ठीक है तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, छोटा सा ब्लॉग बोलो इसको, क्या बोलेंगे मेरे को भी नहीं पता, तो बताना गाइस नेक्स्ट में मिलेंगे। तो अभी तो मैं भी जाता हूँ घर, सब जा रहे हैं हम लोग घर, आप भी जा रहे हो घर, कल मिलते हैं, बाय टाटा गुड बाय।